हमारी प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हो रहा है और आज के दिन ही उत्तर प्रदेश को एक यशस्वी योद्धा मिला और जिसने अपने पुरुषार्थ और अपने कार्यशैली से और अपने कर्मयोग से पूरे दुनिया में अपनी पहचान का एक नया अध्याय भारतीय राजनीति में जोड़ करके दिया। और निश्चित तौर पर आज हम 3 वर्ष का ये जो उत्सव मना रहे हैं, तमाम उपलब्धियों से, तमाम ऐसे घटनाओं से भरा है जिसका आज हम उत्सव मनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में हैं। और आज ही हमने अपने चारों मंडलों के और सभी सहयोगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की और हम लोगों ने जो भी बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में बीते 3 वर्षों में हमने उपलब्धियां हासिल की विकास के क्षेत्र में, वो निश्चित तौर पर एक जश्न के रूप में मनाने का समय है। पर किन्हीं कारणों से ये विजय संकल्प का जो आयोजन है टालना पड़ रहा, लेकिन जो है जब इसका उचित समय होगा तो एक बड़ा कार्यक्रम कर करके हम बड़ा आयोजन कर करके हम सारी उपलब्धियों का एक बुकलेट भी पूरे क्षेत्र में बांटेंगे। और अभी हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एक वायरस के संक्रमण ने सारे लोगों को विवश कर दिया है और इस समय सभी लोगों का चिंतन इस बीमारी से बचाव के लिए केंद्रित हो रहा है, लेकिन साथ ही उपलब्धियों को गिनाने में कोई परहेज नहीं है। पिछले 3 वर्षों में बांसगांव ने जो पहचान हासिल की प्रदेश के विकास में, उसकी एक अलग पहचान है। बांसगांव विधानसभा गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल क्षेत्र में बसता है और जहां पर अधिकांश नागरिक भूमिहर हैं और लोगों के आय का स्रोत जो है किसानी है। और क्षेत्र का ये देहात क्षेत्र होने के नाते विकासों से काफ़ी कोसों दूर रहा और जब हम लोगों को कार्य करने की जिम्मेदारी जनता ने दिया, बांसगांव को हम लोगों ने पूरे मनोयोग से कार्य करने का कार्य किया और जिसका उदाहरण है कि क्षेत्र की जो विरासत में मिली पिछड़ेपन और विकास की बदहाली से सजे इस क्षेत्र को हम लोगों ने विकास रूपी श्रृंगार से सजाने का कार्य किया और जिसका उदाहरण यहाँ में चौतरफा हो रहे विकास हैं। इसमें मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि सरकार गठन होते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 3रे महीने में ही उन्होंने चंदा घाट पुल का शिलान्यास किया, जो कुशवाहा क्षेत्र के लोगों के लिए एक मुद्दा था और हम लोगों के लिए भी एक ये ऐसा विषय था उस क्षेत्र के लिए कि उस क्षेत्र के लोग जो है शहर से और वहाँ के किसान और वहाँ के सभी लोग शहर से कटे रहते थे और आगमन का माध्यम से एकमात्र जो सड़क थी NH-29 वो भी गिड़शिड़ हालत में थी। और उसका शिलान्यास आपको ध्यान होगा कि 2016 के अक्टूबर नवंबर में नितिन गडकरी जी ने किया था, लेकिन सरकार की जो शिथिलता थी, तत्कालीन सरकार उस समय प्रदेश सरकार सपा की थी, उन्होंने 1.5 साल लगा दिया कार्य को रोक करके रखने में और अगर वो चाहते तो वो कार्य पहले भी शुरू करा सकते थे, लेकिन उनको डर था कि कार्य अगर होता तो कार्य दिखता, जनता जागरूक होती। तो उस सरकार से मुक्ति दिलाया प्रचंड बहुमत के साथ 2017 के आम चुनाव में और 325 विधायकों के प्रचंड बहुमत ने कार्य करना जब शुरू किया तो
इस क्षेत्र में सबसे पहले जो सबसे बुनियादी जो चुनौती थी हमारी, कि सड़कों को सही किया जाए। और किसी भी क्षेत्र की खुशहाली का रास्ता जो होता है किसान ही होते हैं, और किसान को सड़क न मिले मुख्य मार्ग पर आने के लिए कितनी जो है निराशा की बात है। तो अगर हम शुरुआत करें जहाँ से हमारा क्षेत्र शुरू होता है, चारपानी से, मेहरौली से शुरू होता है, हम मेहरौली की सड़क देख लीजिए NH-29 से, उसको भी हमने पिच कर दिया। फिर जब चारपानी जब आएंगे तो चारपान NH-29 से एक बड़ी सड़क हमने पास कराई जो पूरे पिच हुई, जाके बंधे पे मिलता है 4 किलोमीटर का। फिर आगे आएंगे हम जो है ये आपका हरदिया डाढ़ा 2.5 किलोमीटर की सड़क जो है हमने पास करा कर के NH-29 से जोड़ा उस गांव को। हर गांव अगर मुख्य मार्ग से जुड़ जाए तो फिर विकास का इससे अच्छा पैमाना क्या हो सकता है। फिर NH-29 से हम आगे बढ़ेंगे सोगौरा, सोगौरा बंधा जो राप्ती नदी तक जाता है उसको हमने 5 किलोमीटर लंबी सड़क पिच बना करके देश के विकास में इस क्षेत्र का जो है एक अहम स्थान हमने दिलाया जनता के आशीर्वाद से। फिर परपुरवा भलवान वाला मार्ग जो है 2.5 किलोमीटर हम लोगों ने पास कराया, और 9.5 तक NH-29 से 1.5 किलोमीटर सड़क का जो है सुविधा करा करके पिच करा दिया गया। और साथ ही साथ बांसगांव कोड़ी राम मार्ग जो कि गले की हड्डी बनी थी, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उस पर धन की स्वीकृति हुई और महज 3 से 4 महीने में पूरा सड़क एकदम बन गया और सभी लोग अपना उसमें फराटे भर रहे हैं और जो है सबसे अच्छी सड़क होगी इस क्षेत्र की। और 8 किलोमीटर की लंबी सड़क हमने पास करा करके क्षेत्र की जनता की सेवा में हमने जो है सरकार के सहयोग से, जिस सरकार को आपने चुना वो बखूबी आपकी सेवा में लगी हुई है। फिर कौड़ी राम गोला मार्ग 22 किलोमीटर कितनी तेजी से कार्य हो रहा है, और साथ में ही बांसगांव के लोगों की दूरी शहर से कम हो जाए, कुसमौल बांसगांव बाईपास मार्ग कितना तेजी से कार्य हो रहा है, 7 किलोमीटर लंबी सड़क का जो है ये दूरी सड़क बन जाने से शहर की दूरी कितनी कम हो जाएगी ये लोगों को खुद जो है महसूस होगा। NH-29 का जो रुका कार्य था, टेंडर हुआ 2016 में, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने तेजी से सारे जो विभागीय अड़चन थे, चाहे वन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, अगर ये तीनों विभाग समय से पहले अगर कार्य करते अखिलेश जी की सरकार में तो सड़क शायद बन चुका रहता, लेकिन 1.5 साल वो काम रोक करके रखे। योगी जी ने जब से नेतृत्व संभाला सबसे पहला काम उन्होंने जो है गोरखपुर आते ही NH-29 का प्रोग्रेस किया, और जो भी 3 प्रमुख विभाग थे स्टेट के तीनों को जो है सख्त निर्देश दिया और अगले दिन ही सारे कार्य जो है शुरू हो गए। और कार्य में जो शिथिलता है उसको भी हम लोगों ने दूर किया और उस पर जो है एडिक्वेट फंड दे करके कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। मौसम की मार से काम रुका रहा लेकिन अब जो है काम बहुत तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बांसगांव तहसील में हमने 50 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वीकृति कराई और वो हॉस्पिटल का कार्य तेजी से हो रहा है और जल्दी ही जो है एक उच्चीकृत चिकित्सालय क्षेत्र की जनता की सेवा में हाजिर होगा। पड़पुआ में जो ITI कॉलेज है उसके भी अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों ने फंड दिया। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया और उसके साथ ही जो बिजली की जो व्यवस्था है पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने विद्युतीकरण करा करके कोई भी ऐसा मजरा, कोई भी ऐसा कस्बा या ग्रामीण का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां हम लोगों ने विद्युतीकरण कर करके ऊर्जा से और रोशनी से आच्छादित किया हो। और इस प्रकार से जो शेष कार्य हैं वो सब जो है पाइपलाइन में है, शीघ्र पूरे होंगे। और आज ये हम लोगों के लिए खुशी का क्षण है कि हम अपने कार्यकाल का गौरवशाली 3 वर्ष मना रहे हैं और अनेकों उपलब्धियों के साथ आप सबके बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं गिनाने के लिए जो हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से किए हैं। और एक नया बांसगांव हम लोग बना करके एक गोरखपुर के विकास में बांसगांव की अहम हिस्सेदारी रहे, इसको हम लोग पूरा कर करके हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। और बांसगांव के बहुत से युवा जो रोजगार परक व्यवस्था में होने के नाते क्षेत्र से पलायन करते थे, NH-29 सड़क बन जाने से यहाँ पर औद्योगिक कॉरिडोर आएगा, जिसको हम लोगों ने जो है पहले भी इस चीज़ की मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पर भी चिंतित हैं।
कि यहाँ पर जो है युवाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ पर उद्योग लाए जाए, तो यहाँ पर पूरा रोजगार परक व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग जो है औद्योगिक कॉरिडोर बनाएंगे, और NH-29 जब पूरा बन जाएगा तो एक ये अपने आप में इस क्षेत्र की लाइफलाइन साबित होगी, और इस लाइफलाइन से जुड़े जो भी गांव हैं सब मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे, पिच हो करके सारी जो पगडंडियां सड़कें हैं सब 7 मीटर चौड़ी हो करके सब मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। जब किसी भी क्षेत्र में जब संपर्क का माध्यम और कनेक्टिविटी जब अच्छा हो जाए तो विकास खुद बखुद सारे जो है सुविधाओं के साथ आ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने सरकार के गौरवशाली 3 वर्ष पूरे होने पर आपके बीच में रूबरू होने का मुझे मौका मिला, और जो भी कार्यकाल हमारे बचे हैं और क्षेत्र में जो भी विकास कार्य अपेक्षित है उसको पूरा करने का भरपूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि तो हमें ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसा हमारा सरकार कार्य कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद इस क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहते हैं।